हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैं आप लोगों को फिर क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम क्या बच्चों? एनिमल्स एंड देयर ईटिंग फूड। बच्चों, हम लोग इसके पहले दो लेक्चर पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का दो लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग ये पढ़े हैं कि एनिमल्स के जो ईटिंग हैबिट्स होते हैं, जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ रखा था। और जो सेकेंड लेक्चर में पढ़े थे हम लोग, उस सेकेंड लेक्चर में बच्चों ये था कि हाउ एनिमल्स ईट, एनिमल किस तरह के खाते हैं। तो हम लोग कई तरीके से पढ़े थे कि एनिमल, जैसे एलिफेंट हुआ, वो आप लोग अपने ट्रंक से, मतलब सूंड से खाता है। कुछ लायंस हो गए, कुछ एनिमल्स लायंस जैसे टाइगर्स, ये सब अपने टीथ का उपयोग करते हैं। तो हम लोग ये वीडियो नंबर सेकेंड में पढ़ रखे थे, मतलब यहाँ तक हम लोग कर रखे थे। ठीक, तो हम लोग कई टाइप ऑफ एनिमल्स को देखा, जिराफ को देखा, स्नेक को देखा, फ्रॉग को देखा, एलिफेंट को देखा। कई तरीके से ये लोग अपना अपने बॉडी का अलग अलग पार्ट यूज करते हैं अपने फूड को खाने के लिए। तो आज हम लोग वीडियो नंबर थर्ड, क्या बच्चों, वीडियो यानी लेक्चर नंबर थ्री जो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें कुछ पहले आपके बुक में नॉलेज चेक मीन्स कुछ एक्सरसाइज की तरह, इंटेक्स क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है, उसको हम लोग कर ले रहे हैं। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करना ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चंस करते हो तभी आपका इससे कई फ़ायदे हैं ना। क्वेश्चन करने से आपका जो मतलब पीछे का पढ़ा हुआ चीज़ है, उस वो रिकॉल भी हो जाएगा, और आपके दिमाग में सारे टर्म मतलब आ जाएंगे, अच्छे से तरीके से याद रहेंगे। तो आइए, आज हम लोग वीडियो नंबर थर्ड, इस वीडियो नंबर थर्ड में आज हम लोग नॉलेज चेक, यानी कि आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बच्चों, टॉपिक या फिर KNOWLEDGE, नॉलेज चेक, मतलब कह सकते हो इंटेक्स क्वेश्चन, क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन जो आपको चैप्टर के बीच बीच में दिए हुए रहते हैं कुछ टॉपिक को ख़त्म करने के बाद, ताकि बर्डन ना हो। एक साथ अगर करोगे एक्सरसाइज में तो बर्डन फील होगा, बहुत बोरिंग होगा, अच्छा मज़ा भी नहीं आएगा। और कुछ टॉपिक के बाद आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए होते हैं जिन्हें इंटेक्स क्वेश्चन भी कहते हैं, और यहाँ पे बच्चे नॉलेज चेक करके दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको टर्म से नहीं मतलब है कुछ भी हो। तो बच्चे जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग लिखते हैं, फिर उसके बाद उसके बेसिस पे हम लोग उसका आंसर के बारे में एनालिसिस करते हैं। ठीक, तो बच्चों क्वेश्चंस क्या है देखते हैं, लिखा हुआ है राइट, क्या लिखा हुआ बच्चों, राइट ट्रू, क्या लिखा हुआ बच्चों, राइट ट्रू, राइट टी फॉर ट्रू। अब ये क्वेश्चन में करना क्या है ये बताया जा रहा है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में करना क्या है, राइट टी फॉर ट्रू एंड फॉल्स, क्या बच्चों, फॉल्स एफ फॉर फॉल्स, एफ ए एल एस ई, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब बच्चों ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि आपका क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चंस यही कह रहा है कि जो अभी आप क्वेश्चंस करोगे उस क्वेश्चंस में जो आपको ट्रू लग रहा है कि मतलब हाँ ऐसा होता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं एलिफेंट किस पार्ट का उपयोग करता है खाने के लिए, तित का या ट्रंक का, तो आप तुरंत दिमाग लगाओगे नहीं सर ट्रंक का, सूंड से खाता है, ना कि दांत से खाता है, वो उसके पास दांत तो दो ही होते हैं, अभी दूसरे यूज काम में उपयोग होते हैं। तो आपको बोलूँगा कि एलिफेंट ईटिंग द फूड बाय ट्रंक, तो आप क्या बताओगे, ट्रू बताओगे या फॉल्स, तो आप बोलोगे सर ट्रू है क्योंकि ट्रंक से यानी सूंड से खाता है। तो उसी तरह यही यहाँ पे कहने क्वेश्चन से यही करना है कि जो बात सत्य है, जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा जाएगा क्वेश्चन के रूप में, अगर वो ट्रू है तो उसे टी लिखो, अगर वो फॉल्स है तो उसे फॉल्स लिखो। ठीक, यहाँ तक समझ में आता है? तो बच्चों आइए हम लोग क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर वन, क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ऑल एनिमल्स, क्या बच्चों, ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स हैव, क्या बच्चों, हैव, अभी हम समझा रहे हैं, हैव सेम ईटिंग हैबिट्स। ठीक, अब बच्चों ध्यान दो, इसको ऐसे डैश दिया हुआ है, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है, समझ लो। तो पहले लिखा हुआ ऑल एनिमल्स, क्या बच्चों, क्या लिखा हुआ है, ऑल एनिमल्स मतलब सभी जानवर की बात कर रहा है, जितने भी एनिमल्स, एलिफेंट, स्नेक, फ्रॉग,
जिराफ एटीसी कुछ भी एनीथिंग कुछ भी ले लो, मतलब ऑल एनिमल्स हैव क्या होता है बच्चों, सेम ईटिंग हैबिट्स। क्या एकदम सत्य है जो एनिमल्स की ईटिंग हैबिट होती है क्या उस सभी एनिमल्स की ईटिंग हैबिट एकदम एक जैसी होती है? नहीं। अरे बच्चों यहाँ ईटिंग हैबिट कहने का मतलब क्या है, हम लोग पढ़े थे थ्री टाइप ऑफ एनिमल्स ईटिंग हैबिट होता है क्या, एक हर्बीवोरस, एक कार्निवोरस, एक ओमनीवोरस। मीन्स हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो केवल किसको, प्लांट्स को खाते हैं, और कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश यानी मांस को खाते हैं, मांस को मीट मांस एनिमल्स को खाते हैं कह सकते हो। और ओमनीवोरस, ओमनीवोरस ऐसे होते हैं जो बोथ एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, मीट मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं। तो बच्चों यही ईटिंग हैबिट्स। तो बच्चों सभी मतलब क्या एनिमल्स का ईटिंग हैबिट सेम होता है? नहीं। कुछ लोग हर्बीवोरस होते हैं, कुछ लोग ओमनीवोरस होते हैं और कुछ लोग कार्निवोरस होते हैं, मतलब अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि सभी एनिमल्स का ईटिंग हैबिट सेम नहीं होता है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? तो ये स्टेटमेंट क्या बच्चों, फॉल्स है, रॉन्ग है। तो क्या लिखेंगे फॉल्स के लिए, एफ लिखा हुआ ना क्वेश्चंस में, यहाँ लिखा हुआ ना एफ किसके लिए यूज करना है, फॉल्स के लिए, और टी किसके लिए यूज करना है, ट्रू के लिए। ठीक, तो यही मेरे कहने का मतलब है कि बच्चों अगर आपसे कोई पूछे ऑल एनिमल्स हैव सेम ईटिंग फूड तो हैबिट्स, तो आपका आंसर होगा नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ऑल एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम लोग लायंस की बात करें तो किस ईटिंग हैबिट में आता है, वो बच्चों कार्निवोरस में आता है, क्योंकि वो क्या खाता है, एनिमल्स को खाता है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करो तो वो किस में आएगा, ओमनीवोरस, मतलब दोनों में आता है वो। हम लोग क्या बच्चों, कुछ ह्यूमन बींग्स मतलब कुछ व्यक्ति क्या खाते हैं, मीट या फ्लैश को, मांस को खाते हैं, और कुछ लोग क्या शाकाहारी भी होते हैं। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सभी एनिमल्स का ईटिंग हैबिट्स अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फाल्स यानी कि एफ लिखोगे। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट, समझ में आता है, आगे बढ़े। अब आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आते हैं, आप ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं पहले लिखा क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये लिखा हुआ बच्चों, कार्निवोरस एनिमल्स ईट ओनली फ्लैश, इसका क्या मतलब है। कार्निवोरस का हिंदी में बीच में बताया भी था आप लोगों को कि कार्निवोरस का वो मतलब हिंदी होता है मांसाहारी, मतलब ऐसे एनिमल्स जो केवल मांस को खाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे वही लिखा भी हुआ है कि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ईट ओनली फ्लैश, फ्लैश मतलब होता है बच्चों मीट, मीट मतलब मांस, एनिमल्स का मांस, जैसे हैन यानी मुर्गी का, ठीक, बकरी का, ये सब हम लोग खाते हैं ना, सब लोग खाते हैं, हम तो खाते हैं, आप लोग खाएं चाना। ठीक, तो यही मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये लिखा हुआ है कार्निवोरस, क्या बच्चों, सी ए आर कार्नी वी ओ आर ओ यू एस, कार्निवोरस एनिमल्स, क्या बच्चों, कार्निवोरस एनिमल्स ईट ओनली फ्लैश, क्या बच्चों, ईट ओनली फ्लैश, फ्लैश मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ कोष्टक में लिख दे रहा हूँ, आपको शायद ना पता हो, लेकिन वैसे मैं पिछले लेक्चर्स में बार बार ये बात बोल रखा है कि फ्लैश मतलब मीट, मीट मतलब मांस कहते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। अब बच्चों यहाँ आपको डैश लिखा हुआ, मतलब आपको लिखना है अब कि क्या ये बात सत्य है। ठीक, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों मैं पहले ही बोला ना कि कार्निवोरस का हिंदी क्या होता है, कार्निवोरस का एक बार फिर लिख देते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं बार बार, उनको भूलने की आदत ही होती है, क्या करोगे। कार्निवोरस का हिंदी क्या होता है, मांसाहारी, क्या बच्चों, मांसाहारी। यहाँ तक किसी को डाउट? तो यही कह रहा, नाम से स्पष्ट है यार, मांसाहारी, मांस को जो सिर्फ खाता हो। तो सिंपल सा लिखा भी तो वही है कि कार्निवोरस एनिमल्स ईट ओनली फ्लैश, मीन्स मीट को खाते हैं, तो एकदम फैक्ट है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, एकदम फैक्ट है, मतलब ट्रू है। तो बच्चों इस स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है या ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है। टी क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दे ही रखा है, ट्रू के लिए क्या लिखना है, टी, एक कैपिटल लेटर, यहाँ फॉल्स के लिए क्या, एफ। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना,
तो बच्चों इस तरीके से हमने दो क्वेश्चंस को देखा, जिसमें बहुत ही मतलब सिंपल सा तरीका है किसी क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए। अगर आपने मेरी हर वीडियो देख रखी है तो दो वीडियो इसके पहले पढ़ाया था, आज तीसरा वीडियो है क्लास थर्ड का इस साइंस सब्जेक्ट का, तो अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देख रखी है तो इन क्वेश्चंस को करने में टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी टाइम टेकन नहीं है, धड़ाक से देखा यूँ यूँ बजा दिया आंसर, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, किसको क्वेश्चन नंबर थर्ड, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से, वीडियो को रोक रोक के भी कर सकते हो आप लोग। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ बच्चों, ओमनीवोरस एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। अब देखो ओमनीवोरस एनिमल्स, बच्चों मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा हूँ कि ओमनीवोरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बोथ, यानी कि सर्वाहारी, जिसका हिंदी होता है क्या होता है बच्चों, सर्वाहारी, मतलब जो प्लांट्स को भी खाते हो एज वेल एज फ्लैश को भी खाते हो, मतलब एनिमल्स को भी खाते हो। तो कोई डाउट नहीं, क्वेश्चंस लिखते हैं फिर एनालिसिस करते हैं कि क्या ये क्वेश्चंस या सेंटेंस सही है या फिर नहीं। लिखा है बच्चों क्वेश्चंस, क्या है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस लिखा हुआ है ओमनीवोरस, क्या बच्चों ओमनी वी ओ आर ओ यू एस ओमनीवोरस एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, क्या बच्चों ईट ओनली प्लांट्स, ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट। देखो बहुत अच्छा चीज़ लिखा, मतलब बहुत ही फैक्ट बात लिखा हुआ है, मैं पहले ही बोला ना बच्चों, पिछले लेक्चर में मैं हर चीज़ का हिंदी बता रखा हूँ। ओमनीवोरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं डेट एनिमल्स हु ईट बोथ वाट ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश मीन्स मांस, ऐसे एनिमल्स जो मीट को यानी मांस को भी, एनिमल्स को भी और किसको प्लांट्स को भी खाते हैं, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ओमनीवोरस एनिमल्स में। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या बच्चों ओमनीवोरस है, क्यों, कोई व्यक्ति ऐसा होगा, मतलब बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दोनों खाते हैं, किसको 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 खाते हैं, मांस को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो ओमनीवोरस का हिंदी होगा वो क्या होगा बच्चों, सर्वाहारी, सर्वाहारी, ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट। तो लिखा क्या हुआ क्वेश्चन देखते हैं हम, लिखा है ओमनीवोरस एनिमल्स मतलब मांस सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं ईट ओनली प्लांट्स, ये तो भाई एकदम गलत है, एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्यों, इनके कहने के हिसाब से ये केवल एनिमल्स खा मतलब क्या प्लांट्स खाते हैं, बिल्कुल गलत है, जो कि हम क्या जानते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स क्या खाते हैं, प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश दोनों खाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में क्या है ओनली प्लांट्स, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग, गलत है, पूरी तरीके से गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फाल्स, फाल्स मीन्स गलत, एफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फाल्स, एफ, ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। देखो बहुत आसान क्वेश्चंस है यार, अगर तुम ऑलरेडी पढ़ रखे हो तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा रखा हूँ और फिर भी इतनी अच्छे से यहाँ पढ़ा रहा हूँ जो जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ताकि कुछ लोग होता है ना पढ़े तो हैं लेकिन दिमाग में कुछ रहता नहीं उनके, तो कम से कम जब क्वेश्चंस कराऊँ तब तो ध्यान दे दिया करो, तो मेहनत से पढ़ने की कोशिश है, ठीक है, कोशिश करनी चाहिए और सबको आता है, कोई ऐसा कोई वीक और कोई स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक। तो बच्चों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर, क्या है क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर बच्चों पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर लिखते हैं, फिर करते हैं। लिखा हुआ है स्नेक्स हैव टीथ टू च्यू दियर फूड, स्नेक्स मतलब बच्चों सांप, सांप की बात कर रहा है, जो रेंग के जाते हैं ना, डरते हैं हम लोग खूब काटना लेके ही डरते हैं ना, तो उसी सांप की बात कर रहा है, कह रहा है ये जो सांप होते हैं स्नेक होते हैं ये लोग अपने फूड को च्यूइंग करके मतलब चबा चबा के, च्यू करना, सी एच ई डब्ल्यू, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रखे हैं ना, च्यूइंग, च्यूइंग मतलब चबाना होता है बच्चों, जैसे बोलते हैं ना चिंगम, उसी वर्ड से बना हुआ च्यू, ठीक। तो कहने का मतलब क्वेश्चन से ये कह रहा है जो स्नेक्स होते हैं यानी सांप होते हैं वो अपने फूड को टीथ से, किससे, दांत से क्या करते हैं बच्चों, दांत से खाते हैं, एकदम गलत है, सांप के पास दांत होता ही नहीं है एक्चुअली, क्या बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़ रखे थे आपको याद होगा, लिखा था एक बार पढ़ दे रहा हूँ स्टेटमेंट, सम एनिमल्स लाइक स्नेक, सांप की बात की ना, फ्रॉग एंड लेजर्ड मतलब छिपकली, डू नॉट बाइट आर च्यू दियर फूड, वो लोग अपने फूड को कभी भी काटते नहीं और च्यूइंग भी नहीं करते हैं,
तो क्वेश्चंस एकदम गलत कह रहा है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है लिखते हैं फिर उसके बाद आंसर पाते हैं। क्वेश्चंस ये कह रहा है बच्चों, स्नैक्स एस एन ए के ई एस स्नैक्स हैव टीथ टू च्यू, टू सी एच ई डब्ल्यू, च्यू मतलब चबाने के लिए, डियर फूड, डियर फूड। तो बच्चों क्वेश्चन से यही कह रहा है कि जो स्नेक्स होते हैं यानी सांप होते हैं वो लोग अपने फूड को च्यू करके मतलब चबा चबा के अपने दांतों से चबा चबा कर खाते हैं। बच्चों ये गलत है, इनके पास हो सकता है मे भी टीथ होते हैं बट ये लोग च्यूइंग करके नहीं खाते हैं। आपके बुक में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये एकदम फैक्ट है कि गलत है। क्या बच्चों एकदम हमको सत्य पता है कि ये चीज़ गलत है। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, रॉन्ग, रॉन्ग के लिए यानी फाल्स, फाल्स के लिए एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। यहाँ तक डाउट किसी को नहीं ना? अब देखो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना है? आगे बढ़े ना, किसी को डाउट हो तो देख लो एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या लिखा हुआ है? एन एलिफेंट हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक। कितना अच्छी बात लिखा हुआ है, हम जो कि इन सभी क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले हम बोल दिए थे इस क्वेश्चंस को। क्या बोले थे कि कुछ एनिमल्स लाइक फॉर एग्जांपल एलिफेंट, क्या बच्चों एलिफेंट, जो एलिफेंट होते हैं ये लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने ट्रंक का यूज करते हैं, जो सूंड होता है ना एलिफेंट को उसका यूज करते हैं अपने फूड को ऐसे तोड़ के डाल ओल को खाने के लिए। देखते होगे आप लोग ना जो हाथी वगैरह गांव में जाती हैं, जब कहीं भी आप देखे होंगे वो कैसे खाती हैं फूड को, अपने सूंड से ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे ओ ख़त्म। तो यही कह रहा है क्वेश्चंस, क्या एन एलिफेंट हैज ए लॉन्ग ट्रंक, मतलब इसके पास एक लंबी सी सूंड होती है। ये तो एकदम फैक्ट लिखा हुआ है, नो डाउट। क्या बच्चों लिखा हुआ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ये लिखा हुआ बच्चों, क्या लिखा हुआ है एन एलिफेंट, क्या लिखा हुआ है एन एलिफेंट हैज, हैज मतलब पास में, ए लॉन्ग ट्रंक, ए लॉन्ग ट्रंक टी आर यू एन के। कह रहा बच्चों क्वेश्चंस, एक एलिफेंट के पास लॉन्ग ट्रंक होता है। तो बच्चों मैं पहले ही बोल रखा हूँ, अभी भी बोला हूँ जस्ट कि यस ये एकदम फैक्ट है, सत्य है कि जो एलिफेंट होते हैं उनके पास एक लॉन्ग ट्रंक मतलब लंबी सी सूंड होती है। ये सही है ना बच्चों? यहाँ इसमें किसी को दिक्कत हो रही है? नहीं ना, किसी को नहीं ना? तो इस क्वेश्चंस को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या बच्चों इन क्वेश्चंस को आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस एकदम करेक्ट है यानी कि राइट है। क्या लिखोगे आप लोग? ट्रू लिखोगे। क्या लिखोगे? ट्रू लिखोगे। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब देखो बच्चों हम लोग जितना पढ़े उसको एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग जितना पढ़े उसको एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। और रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि हो सकता है कुछ लोग एक बार में नहीं कैच कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो हम धीरे धीरे फिर से कोशिश कर रहे हैं समझाने की। क्योंकि इसको समझ लो हम लोग तीसरी बार पढ़ रहे हैं, दो वीडियो लेक्चर में फिर रिवाइज किए थे, फर्स्ट सेकेंड में भी थोड़ा थोड़ा मैं बताते रहता हूँ। अगर कोई चैप्टर या कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो पिछले का मैं थोड़ा बहुत रिकॉल करता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट रहे, मतलब फिर से फिट हो जाए जो चीज़ें भूल गए हो। खेल कूद आप लोग खेलते कूदने लगते हैं ना तो भूल जाते हैं। तो बच्चों देखिए एक बार फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। लिखा हुआ है ऑल एनिमल्स हैव सेम ईटिंग हैबिट्स। तो बच्चों ये एकदम फैक्ट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। सभी एनिमल्स का ईटिंग हैबिट अलग अलग होता है। हम लोग कितने टाइप के हैबिट पढ़े थे? थ्री टाइप के। पहला क्या था? हर्बीवोरस, सेकेंड कार्निवोरस एंड थर्ड इज व्हाट? ओमनीवोरस। तो बच्चों यही पता चल रहा है कि इतने डिफरेंट टाइप के ईटिंग हैबिट्स होती हैं और क्वेश्चंस में कह रहा सबकी सेम हैबिट होती है, तो ये गलत है। इसका मतलब क्वेश्चंस क्या हो जाएगा बच्चों? फाल्स हो जाएगा। फाल्स मतलब गलत हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है बच्चों कार्निवोरस एनिमल्स ईट ओनली फ्लेश। मैं बोला बच्चों हिंदी जरूर याद रखना, उससे क्लियर हो जाता है। कार्निवोरस का हिंदी होता है मांसाहारी, मतलब ऐसे एनिमल्स जो केवल केवल क्या खाते हो? मीट खाते हो, फ्लैश खाते हो। फ्लैश मतलब मीन्स मीट, मीट एम ई ए टी। तो यहाँ पे लिखा ही यही हुआ है
कि जो कार्निवरस एनिमल्स होते हैं यानी मांसाहारी होते हैं वो केवल फ्लैश को खाते हैं यानी मांस को खाते हैं। तो एकदम ट्रू है बच्चों, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रखे हैं, ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, अब बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है, ओमनिवोरस एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। बच्चों ओमनिवोरस का मतलब ये होता है सर्वाहारी, ऐसे प्लांट्स जो बोथ को ईटिंग करते हो, किसको किसको, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स को। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि ये केवल प्लांट्स को खाते हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या बच्चों, रॉन्ग है, मतलब गलत है। तो इस पर हम लोग क्या लिखे हैं, फाल्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं, फाल्स लिखे हैं। समझ में आया, किसी को डाउट नहीं ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर पे, क्वेश्चन नंबर फोर क्या लिखा हुआ आप लोग देखो, स्नेक्स हैव टीथ टू च्यू देयर फूड्स। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो स्नेक, सांप हुए, फ्रॉग यानी मेढक हुए, ये सब कभी भी अपने फूड को चबा चबा यानी च्यू करके नहीं खाते हैं, स्वैलो कर जाते हैं, मतलब निगल जाते हैं। कीड़े मकौड़े को ऐसे घूमते रहते हैं ना, मेढक वगैरह देखते हो ना, पकड़ पकड़ के कूद कूद के खाते हैं, देखते होगे ना आप लोग घर पे, जरूर देखते होगे कि जो मेढक होते हैं फ्रॉग जंप कर करके कीड़े मकोड़े को खाते हैं ना, और तुरंत वो निगल जाते हैं। ऐसे हम लोग की तरह नहीं, ऐसे नहीं खाते वो लोग। ठीक, तो इसका मतलब ये गलत है क्या कि स्नेक्स जो है अपने टीथ का उपयोग करके च्यूइंग करके खाते हैं, चबा चबा के, गलत है। ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, फाल्स यानी कि गलत है। किसी को डाउट नहीं ना, आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोला बच्चों, एन एलिमेंट हैज ए लॉन्ग ट्रंक। मतलब एक एनिमल्स के पास, मतलब जो एलिफेंट होती हैं उनके पास लंबी सी सूंड होती है। ट्रंक मतलब बच्चों सूंड, तो सबको पता है, सब लोग हाथी देखे हो यार, किस क्लास में हो, थर्ड, हाथी कौन नहीं देखा होगा, एलिफेंट कौन नहीं देखा होगा, लेकिन आपने बुक में तो जरूर देख रखा होगा, बुक में ही दिया हुआ, दिखा दे रहे हैं, अब आगे होगे तो नहीं देखे होगे। यहाँ पे देख लो बच्चों, इसे एलिफेंट बोलते हैं। ये एलिफेंट क्या है, देख लो, ये लंबी सी सूंड दिख रही है, यूं वो। ठीक, तो यही कह रहा था कि ये भी स्टेटमेंट ट्रू है कि एलिफेंट के पास क्या होता है बच्चों, एलिफेंट के पास क्या होता है, एक लंबी सी सूंड होती है। क्या होती है बच्चों, एक लंबी सी सूंड होती है। ठीक, तो आज हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस करें, कहाँ बहुत सारे हैं, पांच ही हैं, कितने हैं, सिर्फ पांच ही हैं। ठीक, तो इसको आप लोग राइट डाउन करो, नोट करो, फिर अभी बताता हूँ। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है बच्चों, फूड चेन। क्या नाम है टॉपिक का, फूड चेन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है, यही लास्ट टॉपिक है, यही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आज चैप्टर को हम लोग खत्म करके छोड़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो तब तक आप लोग इसको राइट डाउन करो, फिर अभी हम मिलते हैं।
ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है हम लोग देखते हैं, इरेज करते हैं इसको, फिर उसके बाद एक नया टॉपिक है क्या बच्चों, फूड चेन, उसको करते हैं ठीक। ये लास्ट चैप्टर का इस लास्ट टॉपिक है, इसलिए मैं इसे आज इसे यहाँ पे कवर करना चाह रहा हूँ ताकि ख़त्म भी हो जाए, ठीक कंप्लीट हो जाए, फिर इसके बाद सारी एक्सरसाइज बचेंगे उसको एक साथ मिल के करते हैं ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसे, आज सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है बच्चों, जिस टॉपिक का नाम क्या है, फूड चेन। क्या नाम है? फूड चेन। क्या नाम है बच्चों? जो न्यू टॉपिक है उसका क्या नाम है? फूड चेन। तो आइए फूड चेन के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छा सिंपल सा टॉपिक है और उसको हम खूब अच्छी तरीके से समझाएंगे। आपके बुक में तो थोड़ा बहुत हल्के में दिया हुआ, बट मैं उसको आप लोग खूब अच्छे तरीके से बढ़िया से बताते हैं। क्या नया टॉपिक है? न्यू टॉपिक क्या है? फूड चेन। और यही लास्ट है बच्चों, ध्यान रखना, इसके बाद एक्सरसाइज करना है नेक्स्ट लेक्चर से। टॉपिक का नाम है फूड चेन। चेन मतलब क्या होता है? एक चेन चलाना, कैसे ना लोग कहते हैं ना, एक चेन चलाओ, मतलब क्या, हमारे हम यहाँ पे खड़े हैं, हो सकता है आप वहाँ खड़े हो, कोई वहाँ खड़ा हो, फिर यहाँ कोई खड़ा हो, फिर मेरे पास, मतलब एक दोबारा उसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, चेन चलाना। चेन कोई गेम खेलते हो आप लोग, कहते हैं ना बहुत लोग खो खो वगैरह आप अगर आप खेलोगे तो कहते हैं चेन चलाओ, मतलब धड़ा ऐसे उठाओ फिर ऐसे उठाओ, अल्टरनेट अल्टरनेट करते जाओ, मतलब एक सर्किल बना, मतलब कंटिन्यू रहे कोई प्रोसेस। तो इसी तरह बच्चों फूड चेन होता है। क्या होता है? फूड चेन होता है मतलब फूड को भी खाने के लिए एक चेन होती है। मतलब क्या, अगर मैं बात करूं किस तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से और समझाने की कोशिश करूं तो समझा ये सकता हूं कि जैसे मान लो कोई प्लांट्स है, प्लांट्स कौन लगाता है? हम लोग लगाते हैं। कौन लगाता है बच्चों? प्लांट्स हम लोग लगाते हैं। और फिर वो जब उसमें धान जैसे हुआ, गेहूँ हुआ, कोई भी हुआ, मटर वगैरह किसी चीज़ का प्लांट हो गया, उसको खाता कौन है? हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं ना। अब ध्यान से देखना, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हम लोग खाते हैं, फॉर एग्जांपल बात करें तो मुर्गी वगैरह, बकरी वगैरह, जो गोट वगैरह, उसकी फ्लैश एनिमल्स को हम लोग खाते हैं। प्लांट्स को भी खाएं, एनिमल्स को भी खाएं, और कुछ एनिमल्स भी हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन ग्रास, यानी हरी हरी जो पत्तियाँ घासें वगैरह होती हैं, वो कौन खाता है? बकरियाँ खाती हैं, गाय खाती है, मतलब काऊ, बफेलो खाती है, ये सब चीज़ें खाती है ना। लायन की बात करो, शेर, तो लायन किसको खा जाता है? बकरी को ही खा जाता है। तो मतलब इस तरीके से फूड में भी एक चेन चलता है कि वो इसको खाया, अगला उसको खाया, वो इसको खाया, ऐसे सब लोग एक दूसरे को खा खा के क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को ही फूड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हो? फूड का चेन चलना, मतलब अपने भोजन को खा खा के हम किसी को खाएं, मतलब क्या, हम कोई चीज़ प्रोडक्शन की है उसको हम खाएं, फिर हो सकता है उसको कोई एनिमल्स खाए, उस एनिमल्स को कोई और खाए, ठीक है। तो ऐसे देखते होगे आप लोग गांव वगैरह में, गांव या कहीं भी यार, कोई भी एनिमल्स मर जाता है, मतलब डेड हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉग, कुत्ता हुआ, या फिर बफेलो, या फिर काऊ, कोई भी चीज़ हुई, तो उसको चील, एक आप सुने होंगे, एक पक्षी चील, ठीक, ईगल, ये सब जो है आके उसको मांस को खाते हैं, जहाँ पे मतलब ज़मीन में गाड़ उड़ दिया जाता है ले जाके उनको दफना, तो उनको वो खाते हैं। तो ऐसे एक चेन चलती है। क्या होती है बच्चों? एक चेन चलती है। तो आइए हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा फिगर के माध्यम से, जिस तरीके से आपके बुक में दिया हुआ है। फिगर के माध्यम से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो मान लो ये सन है। क्या बच्चों? ये सन है। सन मतलब सूरज। और जब सन है तो इससे सनलाइट आएगी। सनलाइट किससे आती है बच्चों? सन से ही तो आती है, ठीक। तो ये सन है, ठीक है। अब आप कोई प्लांट्स को ग्रो करवाएं। क्या बच्चों? आप लोग कोई प्लांट्स को, हम लोग मतलब मान लो ग्रो करवाएं, ठीक। ये मान लो प्लांट्स है, और ये प्लांट्स ग्रो कैसे हुआ? ये सनलाइट पड़ी इस पर, आता है ना सनलाइट, आता है ना ऐसे ऐसे, सूर्य की कीड़े जिसे कहते हैं सन रेज, आई इनको मिली। हम लोग पढ़ भी रखे हैं कि जो प्लांट्स, जब कोई प्लांट्स ग्रो करता है, उनको ग्रो करने के लिए सनलाइट वगैरह की नेसेसरी होती है, ज़रूरी होता है, वाटर ज़रूरी होता है, एयर ज़रूरी होता है, तभी जाके प्लांट्स खूब अच्छी तरीके से प्रोडक्शन यानी उसका उत्पादन हो पाता, अच्छी तरीके से वो फलता है, फलन देता है, ठीक। तो इस तरीके से सनलाइट आई सन से और इस प्लांट्स पे मतलब डेविएट हुई, मतलब पड़ी उस पे जाके, तो इस तरीके से प्लांट्स धीरे धीरे ग्रो करता गया, ठीक। अब जब प्लांट्स ग्रो कर गया बच्चों, तो मान लो कोई भी एनिमल्स है,
हम मान लेते हैं आपके बुक में जो दिया हुआ, हम एनिमल्स तो बना नहीं पाएंगे लेकिन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम बनाने की कोशिश किए, फिर भी मान लो ये जिराफ है, आपके बुक में दिया हुआ है क्या बच्चों, जिराफ मान लो या गोट मान लो, कुछ भी मान लो, गोट मान लो इसको, क्या बच्चों ये गोट है, गोट मतलब बकरी, और ये क्या है, ग्रास है, क्या है, ग्रास, और ये क्या है, सन। ठीक, अब बच्चों ये जब गोट है बकरी है तो आपको पता है ये ग्रीन ग्रास को खाती है, क्या करती है, खाती है, तो ये ग्रीन ग्रास क्या कर ली, इसको आके खा ली, क्या कर ली बच्चों, आके खा ली। अब देखो बच्चों ये इसको उगाया, ये आके खा लिया, कौन, बकरी। अब मान लो यहाँ लायन है, क्या है बच्चों, यहाँ एक खूब खतरनाक सा लायन मतलब शेर है, आप लोग जानते हो ना शेर को, ये इसकी टेल है, ये इसके लेग्स हैं। अब बच्चों ये लायन है, मान लो मैं सही से बना नहीं पाया हूँ लेकिन यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये क्या है, लायन है, क्या है, लायन। अब फिगर थोड़ी ना हमको बनाने आएगा इतने अच्छे से, ये क्या है, लायन है, क्या है, लायन मतलब शेर। अब आपको पता है लायन क्या खाता है बच्चों, मीट को यानी फ्लैश को खाता है, तो बकरी को पक्का खा जाएगा। आप लोग सुनते भी होंगे बड़े बड़े कहानी, मतलब नानी दादी वगैरह कहानी सुनाती थी, एक जंगल में शेर रहता था, क्या बच्चों, एक जंगल में शेर रहता था, वो सभी जानवरों को खा जाता था, सुने होंगे ना आप लोग, दादी या नानी स्टोरी कहानी सुनाती है ना रात को सोते वक्त। तो इसी तरह बच्चों इस शेर क्या करेगा, आके इसको खा जाएगा, क्या करेगा, खा जाएगा, किसको, बकरी को, बकरी को क्या करेगा बच्चों, आके खा लेगा। इसका मतलब इसका भी फूड हो गया ये। ठीक, इस तरीके से बच्चों ये फूड चेन इसी को कहते हैं, किसको, जिस तरीके से सनलाइट इसको ग्रास को ग्रो किया, इस ग्रास को गोट यानी बकरी जाके खा ली, इस बकरी को जाके लायन खा लिया, ये एक चेन हो गया बच्चों, फूड चेन, फूड के लिए चेन बनाना ही फूड चेन कहलाता है, क्या बच्चों, फूड के लिए चेन बनाना ही फूड कहलाता है। और बच्चों मैं आप लोग को बता दूं, अगर इसमें बात आती है कि सबसे पहले कौन खाया जाता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, प्लांट्स सबसे पहले खाया जाता है, क्या किया जाता है, प्लांट्स। आपके बुक में एक्चुअली इसी पे एक क्वेश्चंस भी है कि प्लांट्स मतलब फूड चेन में सबसे पहले किसको खाया जाता है, प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को, तो आपका आंसर क्या होगा, प्लांट्स को, क्योंकि यहाँ प्लांट्स को कौन खा रहा है, ये एनिमल्स, और इस एनिमल्स को कौन खा रहा है, ये एनिमल्स। ठीक, तो बच्चों यहाँ तक आज हम लोग इस प्रोसेस को पढ़ें कि फूड चेन क्या होता है, हम लोग फिगर के माध्यम से देखें, तो फूड चेन का अगर हम लोग डिफिनीशन लिखें, खूब सुंदर सा ब्यूटीफुल एकदम अच्छी तरीके से डिफिनीशन लिखें, तो कुछ नहीं बस इतना सा लिख सकते हो, इट इज ए चेन, क्या बच्चों, इट इज ए चेन, यह एक चेन है मतलब प्रक्रिया है, कह सकते हो, चेन इन विच प्लांट्स आर ईटन बाई किसके द्वारा, एनिमल्स, एनिमल्स एंड एनिमल्स आर ईटन बाई अदर्स, एनिमल्स आर ईटन बाई अदर्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फूड चेन कहते हैं, क्या करते हैं, फूड चेन। ये भी कह सकते हो कि इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है बच्चों, प्लांट्स आर ईटन बाई एनिमल्स एंड ईटन व्हाट, एनिमल्स आर ईटन बाई प्लांट मतलब ईटन बाई सम अदर मतलब ऑर्गेनिजम्स, मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे दिखा भी सकते हो आंसर के लिए, खूब अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक, इस तरीके से आप दिखाओगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फूड चेन में लिखने के लिए, और इस तरीके से आपको लिखना भी पड़ेगा। तो आपके बुक में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आइए हम थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ आल लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू ग्रो, ये फैक्ट लिखा हुआ है क्या, कि सभी एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, ये तो सबको पता है, हम ही लोग हैं, अगर फूड ना खाएं, भोजन ना खाएं तो क्या जिंदा रहेंगे क्या, नहीं ना, हमारी डेड हो जाएगी, मर जाएंगे। फिर आगे लिखा हुआ है प्लांट्स मेक दियर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर, ये फैक्ट है बच्चों, मैं पहले ही बोला, ये जो प्लांट्स होते हैं इनको ग्रो करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, एयर की, कैसे, आप लोग घरों में देखते होंगे जब मम्मी पापा कोई पेड़ पौधा या आप ही लगाते हैं तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, ले जाके उसमें पानी डाल दो, पानी नहीं डालोगे तो सूख जाएगा, तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्लांट्स
खुद कैसे अपने फूड बनाते हैं, किसकी सहायता से, सनलाइट के, एयर के और वाटर के द्वारा। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। ये फैक्ट है बच्चों कि ह्यूमन बींग्स मतलब आदमी, मनुष्य, हम लोग जो हैं किस पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, एनिमल्स और प्लांट्स पे। सही है, प्लांट्स में फॉर एग्जांपल गेहूं का हुआ, चावल का हो गया, ये सब प्लांट्स हम लोग खेत में उगाते हैं फिर खाना खाते हैं। और कुछ एनिमल्स पे भी डिपेंड रहते हैं, जैसे हम लोग मीट खाते हैं ना, किसकी, गोट की, बकरी की मीट खाते हैं, हैं मुर्गी, मुर्गी का वो मीट खाते हैं, तो एनिमल्स पे भी हम लोग डिपेंड हुए ना, उनके अंडे को खाते हैं, किसके, हैं को, मुर्गी को। तो हम लोग भी डिपेंड है किस पे, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स पे, दोनों पे डिपेंड है। फिर आगे लिखा हुआ है एनिमल्स आल्सो डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। सही है बच्चों कि एनिमल्स किस पे डिपेंड है, वो भी प्लांट्स पे। फॉर एग्जांपल बकरी वगैरह ये किसको खाती हैं, घास को खाती हैं, तो इसका मतलब एनिमल्स किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। कोई डाउट नहीं ना। फिर लिखा हुआ है आगे आप डिफिनीशन, चाहे इस डिफिनीशन को लिख लो, चाहे यहाँ जो पढ़ने जा रहा हूँ उसको कोई भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिफिनीशन तो डिफिनीशन होती है, बात वही है। लिखा हुआ है फूड चेन शोज हाउ प्लांट आर ईटन बाय एनिमल्स। क्या लिखा हुआ है, एक फूड चेन ये बताता है कि किस तरीके से प्लांट्स एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे देख रखे हो आप लोग, ये प्लांट्स एनिमल्स के द्वारा कैसे खाया जाता है ये बताता है। फिर लिखा हुआ एंड और देन एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स। ये फैक्ट है बच्चों। फिर ये एनिमल्स क्या होते हैं, खाए जाते हैं किसके, अदर एनिमल्स। यहाँ देख सकते हो ये बकरी एक एनिमल्स है, इसको कौन खा रहा, अदर एनिमल्स, कौन एनिमल्स, लायन, वही लिखा हुआ है। ये फूड चेन ऑलवेज बिगिंस विथ प्लांट। बच्चों यही क्वेश्चन आपके बुक में पूछा हुआ है, फैक्ट याद रखना, ये फूड चेन ऑलवेज बिगिंस विथ प्लांट, मतलब जो एक फूड चेन है, ये फूड चेन ऑलवेज लिखा हुआ है, मतलब हमेशा, ऑलवेज BEGIN बिगिंस विथ प्लांट्स। हमेशा एक फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, प्लांट्स से। यहाँ देख सकते हो फूड चेन कौन पहले खाया, किसको खाया गया, प्लांट्स को, किसको, यानी ग्रास यानी प्लांट्स को। ये बुक में आपके क्वेश्चंस हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे मैं इस बात को जरूर रिकॉल करूँगा, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो इस बात को जरूर एक बार रिकॉल करूँगा, याद रखना आप लोग, भूल नंबर, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन इज ए जेब्रा। बच्चों जो जेब्रा बोलते हैं ना, तित्ती लाल घोड़ा, जेब्रा ईटिंग ग्रास, सबको पता है जेब्रा क्या खाता है, घास खाता है, एंड लायन ईटिंग द जेब्रा, और लायन क्या कर रहा है, जेब्रा को ही खा जा रहा है। ये एग्जाम्पल्स है, आप लोग लिख सकते हो, कोई पूछे व्हाट इज फूड चेन तो लिख सकते हो, फूड चेन सो डेट द प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स एंड देन आल्सो द एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल्स में क्या लिखोगे, व्हाट एन एग्जाम्पल फूड चेन में क्या लिखोगे, जेब्रा ईटिंग ग्रास, जेब्रा क्या कर रहा है, ग्रास को खा रहा है, एंड जेब्रा इज ईटिंग बाय लायंस, लायंस क्या कर रहा है, जेब्रा को ही खा जा रहा है। ठीक, यहां तक किसी को डाउट नहीं ना। तो बच्चों आज ये चैप्टर एंड होता है यहां तक, ये लास्ट टॉपिक था, कोई डाउट नहीं। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को एनिमल्स एंड देयर ईटिंग हैबिट्स को पढ़ा, उनके हैबिट्स के बारे में पढ़ा, और जो कुछ एनिमल्स होते हैं अपने किस किस पार्ट को यूज करते हैं, मतलब वो एनिमल्स हाउ द ईट एनिमल्स टॉपिक था, एनिमल्स कैसे खाते हैं, वो अपने दांतों वगैरह से खाते हैं कि अपने टंग से खाते हैं, या फिर अपने ट्रंक से खाते हैं, सूंड से खाते हैं, या फिर टीथ का उपयोग दांत का खाते हैं, का उपयोग करके खाते हैं, इस तरीके से पढ़ा। और लास्ट टॉपिक क्या था बच्चों, फूड चेन, मतलब फूड चेन क्या होता है, जो अभी हम लोग ऑलरेडी खूब अच्छी तरीके से डिस्कस किए, क्या किए, अच्छी तरीके से डिस्कस किए। इस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म किए बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एक्सरसाइज को खूब धूम धमाके से करेंगे, एकदम तैयार रहेंगे आप लोग, पूरी फिर से देख डालेंगे तीनों वीडियो इस चैप्टर का, इसलिए जब नया हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ना, तो पूरी एकदम मतलब क्या जोश के साथ आएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, ताज़ा ताज़ा रहेगा। आप जरूर पढ़ के नेक्स्ट लेक्चर को, मतलब जो एक्सरसाइज वाला है, जरूर करना। रीजन ये है, तब करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक, तो सारे टॉपिक को आप लोग रिवाइज करके आना, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे न्यू एक्सरसाइज के साथ। तो गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।